जोधपुर के जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने के बाद जश्न सा माहौल दिखा। अरविंद सिंह भाटी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उसके बाद पावटा बी रोड पर जो जश्न मनाया गया उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह अरविंद सिंह के समर्थकों में था और 36 कौम के छात्र इस उत्साह और इस जोश से शामिल हुए। अरविंद सिंह भाटी की ये ऐतिहासिक जीत रही। उन्होंने SFI के बैनर तले चुनाव लड़ा और उसके बाद ABVP और NSUI को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ABVP तो पूरे मुकाबले में कहीं अध्यक्ष पद के चुनाव में और मतगणना में नज़दीक तक नज़र नहीं आई। ABVP को चंद वोट मिले। वहीं NSUI से मुकाबला हुआ तो भी NSUI के मुकाबले में भी अरविंद सिंह भाटी ने तगड़े मत प्राप्त किए। अरविंद सिंह भाटी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद ये जश्न का माहौल आप देखिए, किस तरीके से पावटा बी रोड के ब्रिज के पोल पर ये छात्र चढ़े हैं और उत्साह के साथ विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। छात्रों का ये जोश देखते ही बन रहा था। देखिए फिर किस तरीके से सभी छात्र नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने सभी से बात की और इस जश्न को चार चांद लगा दिए। जश्न का माहौल देख के ही आप बता सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों में उत्साह था, क्योंकि एक बड़े संघर्ष की जीत हुई है। अरविंद सिंह भाटी की खासियत यही थी कि वो साल भर विश्वविद्यालय में सक्रिय रहते हैं और रविंद्र सिंह भाटी, मोती सिंह जैसे छात्र नेताओं का उन्हें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी मदद की। इसी के चलते ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा सकी। अब इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ बताया जा रहा है कि 2 जाट प्रत्याशी होने के बावजूद अरविंद सिंह भाटी की ये बड़ी जीत है। राजपूत समाज को ABVP और NSUI ने टिकट नहीं दिया था, फिर भी सभी छात्र नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने रणनीति बनाई और उस रणनीति के आगे ABVP और NSUI जैसे बड़े छात्र संगठन धूल चाटते हुए नजर आए। तो एक ऐतिहासिक जीत यहाँ देखने को मिली है। जीत के बाद का जश्न का माहौल ऐतिहासिक था। तमाम छात्रों ने हाथ में मोबाइल ले रखे थे और मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी, जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने जीत के बाद कॉन्फिडेंस के साथ सभी छात्रों से जीत की बधाई दी।